सो हे गाइस, कैसे आप लोग। ये वीडियो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप लोग इस वीडियो को भी लास्ट तक देखिए। सो जो पहली न्यूज आ रही है वो आ रही है लक्ष्य चौधरी की ओर से। लक्ष्य चौधरी रोस्ट किया रूही राय को एंड वो आल्सो बात की है उर्फी जावेद के बारे में, तो आप देखिए उनकी ये क्लिप। ऐसा ही कुछ कर दिया हमारी रूही राय ने, अब ये लड़कियां भी ना कहीं भी कुछ भी कर देती है। उधर उर्फी जावेद अरेस्ट हो गई दुबई में अपनी यूनिक आउटफिट में वीडियो शूट करते हुए। अब इन लड़कियों को कैसे समझाया जाए, हर काम करने की एक जगह होती है, एक टाइम होता है। उर्फी तुम इंडिया में ही कर सकते हो बस, ये सब बाहर नहीं अलाउड है ये। सो रूही राय ने एक मिनी लोग या फिर हम कह सकते हैं एक YouTube शॉर्ट अपलोड किया, व्हाट आई ईट इन अ डे इन माय फादर शराब, और उस चीज पे रूही को काफी ट्रोल किया गया, काफी उसके ऊपर रोस्ट वीडियोस बनी, काफी रिएक्शन वीडियो बनी और रूही को थोड़ा हर्ट हो गया। सो अगर मैं इस चीज पे अपना ओपिनियन दूं तो देखो, रूही भी और वो लोग भी जो ऑडियंस है और वो लोग भी जिसने रूही के ऊपर वीडियो बनाई इंक्लूडिंग मी, इंटरनेट पे मैं सेम चीज डाल के गालियां खा सकता हूँ और सेम चीज डाल के लोगों को इंस्पायर कर सकता हूँ, मोटिवेट कर सकता हूँ। एंड जो नेक्स्ट न्यूज आ रही है वो भी आ रही है लक्ष्य चौधरी की ही ओर से। लक्ष्य चौधरी ने अभी एक पॉडकास्ट किया था प्रखर के प्रवचन के साथ, जिसमें वो बात की है बियर बाइस एंड एमबीए चाय वाला यानी कि प्रफुल के बारे में, तो आप देखिए उनकी ये क्लिप। मान ही नहीं सकता जो तूने अभी रणवीर वाली वीडियो निकाली है, उसके बाद वहां ऑफिस में एक मिनट के लिए शांत माहौल ना बनाओ और बात ना हुई होगी क्या करना है उसके बारे में। तेरे पास आया नहीं मैसेज किसी का? नहीं यार, मतलब ये तो मुझे एक्सपेक्टेड था कि नहीं आएगा। जो लोग तेज होते हैं ना, हाँ, सबसे तेज आदमी की एक पहचान है, हाँ, वो रिएक्ट नहीं करता, और सबसे बेवकूफ आदमी की एक पहचान है, वो तुरंत रिएक्ट करता है। और जो दोनों मतलब जो डिप्लोमेटिक होता है ना उसकी जलेगी भी, बट वो पर्सनल आगे अप्रिशिएट कर जाता है। ये तीन तरह के लोग मैं देख चुका। तो कंट्रोवर्सी में यही करना होता है, हाँ, तुम पे कोई उल्टा बोले तुम आके लिख दो वेरी वेल डन। प्रफुल करता है ये, हाँ। और प्रफुल के मैं बता रहा हूँ, प्रफुल के गंदे गंदे रोस्ट बने हैं भाई। मैं तो फिर भी मेरा थकेश का जो मैं बता रहा हूँ बहुत, अब तो यार बहुत सही हो गया। जो राइटिंग रहती है ना, हम तीन चार लोग मिलके देखते हैं, पढ़ते हैं, बार बार कट भी कर देते हैं कोई चीजें, बट जो नए नए कोई कोई बंदा होता है ना जिसको भड़ासी होती है, वो तो बहुत गंदा गंदा बोलता है। प्रफुल के ऊपर बहुत गलत गलत वीडियो है, लेकिन तब भी टॉप कमेंट उसी गई है, वेरी वेल डन। पर फिर उसके बाद करोगे क्या? एंड जो नेक्स्ट न्यूज आ रही है वो आ रही है सौरभ जोशी की ओर से। सौरभ जोशी गए थे अभी भारती सिंह से मिलने, जिनको आप लोग पहले से जानते होंगे। तो भारती सिंह बात की रियलिटी शो के बारे में, मतलब शो हमेशा रियल ही होते हैं, जैसे कि बिग बॉस, लिटिल चैंप, सारे गामा पा, तो अब देखिए उनकी ये क्लिप। आ गए और इनको शूट देख के बहुत मजा आया, क्योंकि दूसरा शूट नहीं चल रहा था मेरा, लेकिन ये लिटिल चैंप का शूट था, तो मैंने बुलाया। मैं मम्मी से पूछती हूँ तुम्हारे, सॉरी तुम्हारे ब्लॉग में, मम्मी सच्ची बताइए कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मैंने इतना सोचा भी नहीं था। ना कि प्योर दर्शक होते हैं जो वो आए हैं, उनको बहुत अच्छा लगा, है ना साहिल? आप कुछ बताएंगे? नहीं, मैं बता दूं, चाहे सिंगिंग शो हो, स्टंट शो हो, बिग बॉस हो, जो भी है, सब रियल होता है। लोगों को लगता है कि ज्यादा झगड़ा हो रहा था, नकली होगा या स्क्रिप्टेड होगा। मैं टीवी में देखती थी ना, इस बार तो मैंने सारे। इस वीडियो के लिए इतना ही, जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।